आपको ये तो पता ही है कि एलोन मस्क ने 44 बिलियन डॉलर्स देके ट्विटर को खरीद लिया और कहा $8 दो और ब्लू वेरीफाइड टिक ले जाओ। लेकिन एलोन मस्क का ये फैसला यूएसए की स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड बहुत सारी कंपनीज के लिए पूरा सपना बन गया। अब एग्जांपल के तौर पे एली लिली नाम की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी जो कि डायबिटीज मतलब कि शुगर की बीमारी को ठीक करने के लिए इंसुलिन बनाती है, उसका किसी ने ट्विटर के ऊपर एक फेक हैंडल बना दिया, $8 की पेमेंट कर दी और ब्लू वेरीफाइड टिक ले लिया और साथ में ट्वीट कर दिया अब से हम इंसुलिन फ्री में देंगे। अब अगले ही दिन 11 नवंबर को इस ट्वीट का असर देखने को मिला जब इसका शेयर प्राइस $15 तक गिर गया और इसके इन्वेस्टर्स को करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। अब कहते हैं ना सरम हम तो डूबेंगे तुमको भी साथ ले डूबेंगे। इसके साथ की दूसरी दवाई बनाने वाली कंपनी है जैसे कि सनोफी ऐसे नोवो नॉर्डिस के भी शेयर गिर गए। इसके अलावा हथियार बनाने वाली कंपनी लॉकहीड मार्टिन, सॉफ्ट ड्रिंक की पेप्सिको और कोका कोला के ऐसे ही फेक ट्विटर हैंडल्स और ट्वीट्स सामने आए। अरे हद तो तब हो गई जब टेस्ला का एक फेक वेरीफाइड अकाउंट सामने आया और उसमें एक ट्वीट था टेस्ला की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। अब जब खुद को चोट लगेगी तो दर्द का पता चलेगा ना एलोन भैया।